करनाल काछवा रोड पर पाल नगर से थोड़ी दूर नहर में तीन युवकों द्वारा नहाने का प्रयास करते हुए नहर में डुबकी लगाई गई, परंतु एक सागर नाम के नेपाली की नहर में डूबने से मौत हो गई। मौके पर पुलिस ने पहुंचकर मुआयना किया व गोताखोरों द्वारा शव को बाहर निकालकर कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज के मॉर्चरी हाउस में रखा गया। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि मृतक व उसके साथियों ने यहां बैठकर पहले शराब पी, जबकि उनको रोकने का प्रयास किया गया था, परंतु तीनों युवकों ने नहर में डुबकी लगाई, जिसमें से एक युवक सागर नाम का नेपाली नहर में डूबकर मर गया, जबकि अन्य दो को बाहर निकाल दिया गया। पुलिस द्वारा शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्यवाही की जा रही है। सर, किस टाइम की घटना है? ये 8:30 बजे की, और उन्होंने पहले तो दारू पी, फिर पीने के बाद वहाँ से छलांग लगा दी। कितने व्यक्ति? 3 व्यक्ति थे जी, ये पाल नगर के दुकान पर काम करता था जो। नाम क्या था सर? उनके नाम का पता नहीं जी, नेपाली था जी। मौत कितने की? 8:30 बजे हुई जी। हाँ, कितने आदमी थे? वहाँ 3 आदमी थे, यहाँ उनके तो साथ आए थे। आपको कैसे पता लगा? हम यहीं पे थे जी सवेरे। तो पुलिस आ गई मौके पे? हाँ, मौके पुलिस आ गई जी। तो इनमें कितने आदमी डूबे हैं? उनमें एक डूबा है और एक बच गया है। कितने आदमी थे टोटल? टोटल 3 आदमी थे। वहाँ पहले तो उन्होंने खाई पी, यहाँ फिर यहाँ से मतलब यहाँ से चले जाओ आप, आपने दारू पी ली नहीं माने, फिर उन्होंने वहाँ से पुलिस से छलांग लगा दी। फिर अपना डूब तो चिल्लाए नहीं वो? चिल्लाए वहाँ बहुत, फिर यहाँ फिर पुलिस आ गई थी। तो डेड बॉडी किसने निकाल ली? डेड बॉडी गोते खोर ने काटी जी। आपका क्या नाम है? मेरा नाम सुभाष बेलदार है, नर्दक सब डिविजन से हूँ। अच्छा, डिपार्टमेंट। हमारे को सूचना मिली थी अश्वजलनाथ कुंड्रक कट रोड पर एक लड़का नाते समय डूब गया। इस सूचना पर यहाँ रुकता पड़ा है और निकालने की डेड बॉडी को निकालने की कोशिश करी। कहाँ का रहना वाला था ये लड़का? ये नेपाल का है, यहाँ होटल पर है, सिंगापुर होटल पर है, काम करता है। कब का मामला है? कब? ये 1.5 घंटा पहले का मामला है।